जाना है, इस पहाड़ी के बाद उस पहाड़ी को पार करना है। हाँ बादशाह, आगे का रास्ता खतरनाक है, थक गए हो, मैं दूध लाता हूँ, रुक जाइए। अरे खतरनाक रास्ता पार करना ही होगा। हाँ अकेले ना जाइए, कुछ देर आराम फरमा लीजिए, मैं भी आपके साथ हो लूंगा। नहीं 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 नहीं, ये रास्ता अकेले ही तय होगा, आखिरी है वो देखो। शाह साहब, आगे कोई रास्ता ही नहीं है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। मैं दूध लाता हूँ, मैं भी जाता हूँ आपके साथ। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, हुक्म अकेले जाने का है। हाँ अल्लाहु अल्लाहु। वापिस कब आएंगे आप? ये सफर वापिस आने का नहीं, आगे जाने का है। तुम दूध लाओ। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कमरदीन, खैरियत तो है? रात के वक्त मैंने पीर शाह को जंगल में जाते देखा, उन्होंने मुझे दूध लाने के लिए कहा था। मैं दूध लाया तो वो वहाँ थे ही नहीं, मैं पहाड़ी तक उनके पीछे गया लेकिन वो जंगल में ही खो गए। मुझे उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं दिया अंधेरे के सिवा। ठीक है, अगर पुलिस की पूछताछ या तफ्तीश हुई तो तुम्हारा बयान काफी है। कमरदीन, तुमने कुछ पैसा लिया था हमसे, 10 दिन के लिए कर्जा लिया था, अभी तक लौटाया नहीं। बस साहब, कुछ दिनों की और मोहलत चाहिए, अगले जुम्मे तक सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। लौटाओगे ना? बिल्कुल जनाब। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हुआ, ये हम क्या सुन रहे हैं? वीर बाबा कहाँ चले गए? पता नहीं जनाब, लगता है गांव छोड़ के चले गए। लेकिन ये अचानक ही क्यों? क्या किसी ने गांव से उन्हें जाते हुए देखा? हाँ जनाब, मैंने देखा। आओ डाक बाबू, लगता है गांव पर कोई मुसीबत आने वाली है। वीर साहब कहीं दिखे क्या? किसी को कुछ पता नहीं है। कई दिनों से उन्होंने रट लगा रखी थी कि मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। उन्हें एक डाकिये पर नजर पड़ी, क्या नाम था उसका भला? गुलाम नबी। हाँ यही नाम बताया उन्हें देखकर, और बोलने लगे उनका जानशीन आया, यही अब सबका ख्याल रखेगा। आपको मालूम है पीर बाबा ने अपनी माला भी गुलाम नबी को दे दी। समझ में नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा किया क्यों, गुलाम नबी तो शहर से आया है और पीर साहब उसे जानते तक नहीं।
लेकिन एक बात गौर करने लायक है, आखिर उन्होंने गुलाम नबी को ही क्यों चुना? भाई उसमें ऐसी क्या खास बात है? ये बात तो है जनाब, गुलाम नबी में ऐसी कोई बात तो है, लगता है वो किसी नेक इरादे से आया है। पीर बाबा ने कहा था वो अपना सब कुछ गुलाम नबी को सौंप देंगे, हमें यकीन है उन्होंने अपनी सारी फकीरी गुलाम नबी को सौंप दी है। हमें भी यही लगता है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है तो हम ये भी आजमाएंगे। कल सुबह हम में से कुछ लोग गुलाम नबी के घर जाएंगे और हाँ, यहाँ पर हम एक पक्की इमारत बनाएंगे जहाँ पर हम सब लोग इबादत किया करेंगे और ये जगह पीर रहीम शाह के चबूतरा के नाम से जानी जाएगी। लेकिन इस सब के लिए गांव वालों को चंदा जमा करना होगा। लेकिन नम्रदा साहब, क्या ये जरूरी है? देखो, क्या जरूरी है और क्या नहीं इसका फैसला हम करेंगे। और हाँ, रहीम शाह साहब जब तक इस गांव में रहे तब तक कोई हमारे पर मुसीबत नहीं आई और हम चाहते हैं कि आगे भी हम पर कोई मुसीबत ना आए, इसलिए आप सब लोग दिलावर के पास पैसे जमा कर सकते हो। हमें कितना रुपया देना होगा? देखो, हर घर को कम से कम 50 रुपए देने होंगे और मैं अपनी तरफ से 200 रुपए दूंगा। ठीक है, अच्छा आज का फैसला हो गया तो अगर रहीम साहब कहीं दिखे तो मुझे खबर कर देना जरूर। ठीक है जी। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप लोग अपने अपने घर जाओ। ठीक है। जनाब, ये काम तो सरकारी खर्च से भी हो सकता है, फिर गांव वालों से पैसे क्यों? अरे तुम तो बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। काम होगा सरकारी खर्चे से और बनेगी यहाँ पर राहगीरों के लिए मुसाफिर खाना, समझे? चल 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 चल। देखो बच्चों, अब मैं बुड्ढा हो गया हूँ, न जाने किस वक्त का इंतजार है, कौन सी जगह और कौन सा दिन नसीब होगा, कब मरना होगा। लेकिन लेकिन क्या काका, कुछ तो बताओ। जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगा तो मानोगे क्या? अरे कुछ बताओ तो सही। बच्चों, आज से बरसों पहले हमारे यहाँ बड़े जमींदार जागीरदार हुआ करते थे और उनके ऊपर हुआ करता था राजा महाराजा हुजूर। हाँ, और हमारे यहाँ से मागम और बड़े बड़े फनकार वहां लिया जाकर नजराना लेकर जाते थे। हाँ, और वहां से बख्शिश हासिल करते थे और उस बख्शिश से पूरे साल भर का खर्चा निकलता था। गाने बजाने के शौकीन थे? हाँ, क्या बात थी उनकी, बड़े जानकार थे वो, मकाम के, वक्त के, ये साज के, राग के, रागनियों के। हाँ, उनका मुकाबला ही नहीं था और कभी कभी तलफुज में भी सुधार करते थे, उनकी क्या बात थी। काका, नजराना क्या लेके जाते थे? हाँ, कुछ भी, कभी कभी अंगूर की बड़ी बड़ी टोकरियां, सेबों के पिटारे, कागजी अखरोट और कभी कभी रंगीन ऊनी चादरें। हालांकि उनके पास इन चीजों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भानु का खुमार चढ़ता था। और सुनो, एक बार मैं भी राजा महाराजा के पास बड़े बुजुर्गों के साथ गया था। हाँ, तुम? मुझे यकीन नहीं आता। सच काका, तुमने क्या देखा वहाँ? वहाँ क्या देखा? जश्न, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है कौन सा लुकपोतर किया था। हाँ, याद आ गया। क्या? हाँ, वो जश्न, बड़ा जश्न, ढोल नगाड़े, वो दमाली नर्तक। Thank you.
सुनो सुनो महाराज बहादुर, आप लोगों का जश्न देखकर खुश हुए। महाराज का इकबाल बुलंद हो, बुलंद हो, बुलंद हो। महाराज बहादुर पूछते हैं कि क्या रियाया प्रजा खुश है? रियाया प्रजा खुश और खुशहाल है, खुशहाल है, खुशहाल है, आबाद है, आबाद है, सब हिंदू मुसलमान खुश है, खुश है, खुश है, सब हंसते बसते खाते पीते हैं, खाते पीते हैं। महाराज बहादुर पूछते हैं क्या किसी को कोई शिकायत तो नहीं? महाराज हमारे पास जमीनें नहीं है, अगर चूल्हा टैक्स माफ हो जाता तो बहुत मेहरबानी होती। महाराज बहादुर फरमाते हैं कि हम उसकी मंजूरी देंगे। राजा साहब का इकबाल बुलंद हो, बुलंद हो, बुलंद हो। राजा साहब पूछते हैं कि क्या कोई बेगार मजदूरी तो नहीं ले जाता? नहीं महाराज, अब कोई भी बेगार पर नहीं जाता। क्या किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं? राजा साहब का इकबाल बुलंद हो, बुलंद हो, बुलंद हो, बुलंद हो। राजमहल के पुराने कपड़े पुराने चोगे अब चीथड़े बन गए हैं। राजपोतर हम खेलते अगर कुछ कपड़े मुहैया करवाते। महाराज बहादुर फरमाते हैं कि तोशखाना से सब कुछ मुहैया कराया जाएगा। राजा का इकबाल बुलंद हो, बुलंद हो, बुलंद हो। महाराज, महाराज बख्शीश, बख्शीश। महाराज पुरानी रिवायत है, आप अपने मुखिया को खिड़की के नीचे भेजें, हम बख्शीश भिजवाएंगे। काका, अब तुम्हारा क्या मशवरा है, हमें क्या करना चाहिए? हम भी नजराना लेकर जाएंगे। नजराना? हाँ हाँ, लेकिन किसको? काक, अब तुम्हारे वो जमींदार जागीरदार और राजे महाराजे कहाँ रहे? हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो, राज बदला, निजाम बदला, और इस बदलाव में हम भी अपनी पहचान खो गए हैं। लेकिन हम तो नजराना लेकर जाएंगे, कोई ना कोई हाकिम तो होगा, उसी को ले जाएंगे। नजराना क्या ले जाएंगे? बस यही एक रुपया। एक रुपया? क्यों, नजराना तो नजराना ही है ना। ये हिमाकत होगी, मजाक। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं? मैं बताऊंगा कैसे ले जाएंगे। हम ऐसे थोड़ी हथेली पर दिखा के ले जाएंगे। फिर कैसे? हाँ, हम इसे सजी सजाई डोली में ले जाएंगे, एक दुल्हन की तरह छुपा के। बीच में डोली, आगे होगी वो स्वर्ण वादक, और पीछे नर्तक, जो धमाली के नर्तक होते हैं, और बाद में हम सब। ठीक है, पर ले कहाँ जाएंगे? शहर या कस्बे में, जहाँ हाकिम रहता हो। मुझे मंजूर है। लो, बिना सोचे समझे ही मंजूर कर दिया। मुफ्त की हिमाकत। बेटे ने माँ से कहा माँ कोई गालियां नहीं देता, तो माँ ने कहा बेटा जाओ बीच सड़क में बैठो। देखो मुझे मालूम है तुम गुस्से ले हो, बात को अनसुनी कर देता है। ये सब मैं तुम्हारी बेहबूदी के खातिर कर रहा हूँ। मैंने तो अपने जिंदगी के 5 दिन काटे हैं, और देखो हमारा पुश्तरी पेशा, उसको जंग लग गया, कोई कदर कीमत है ही नहीं। नाच खत्म हुआ, बाल कला को जंग लग गया,
और सुरने सीखने कोई आता ही नहीं, वजह हमारी गफलत और क्या। इस फन की कोई सरपरस्ती नहीं, कोई हौसला अफजाई नहीं, तो इसका जिम्मेदार कौन? वक्त, वक्त की तब्दीली और किसी हद तक हाकिम भी। बहुत हद तक, लेकिन नजराना ले जाने से क्या होगा? हाकिम नजराना ले लेगा और हंस कर कह देगा आते रहना जाते रहना। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अरे दूर से भगा देगा और पुलिस भी पीछे लगा देगा। देखो तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखो हम मांगने जाते हैं, कभी हाकिम के पास गए क्या? कभी नहीं। तो एक बार आजमाने में क्या एतराज है? नजराने लेकर जाएंगे, समझ जाएगा कि मांगने आए हैं। मुझे मंजूर है, साथ में शहर में टाकी सिनेमा देखेंगे। हरगिज नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। कल सुबह नींद से जागते ही हम ढोली को बनाने और संभालने में लग जाएंगे। हाँ ठीक है, फिर एक दो दिन बाद जाएंगे शहर या जिले दफ्तर। ठीक है, खामखा परेशानी मोल लेना, सब बेफायदा। ए बुरा मत सोच। देखो सब तैयारी कर दो। हाँ पुराने कपड़े लत्ते रख दो। हाँ हम सज धज के जाएंगे और ढोली बनाने का जिम्मा तुम्हारे, और सजावट सही तरीके से करना। हाँ लिखना, हम सब खैरियत से हैं, तुम्हारा खत मिल गया, जानकर खुशी हुई कि तुम्हारी तरक्की हो गई है, खूब सारा प्यार मेरी तरफ से। अरे बीबी, मैं अखबार छापने की मशीन नहीं हूँ, जरा आहिस्ता बोलता बोलिए। माफ कीजिएगा, वो क्या है ना, बेटे को लिखते थोड़ी हरारत आ ही जाती है। अच्छा अच्छा बोलिए, अब कहाँ तक लिखा आपने? कैरियर तक। नहीं उसके बाद क्या कहा था मैंने? पता होता तो लिख ना लेता। बोलिए ना, इतने लोग बैठे, इनका भी तो काम है। लिखो, लिखना, खुर्शीद तुम्हें बहुत याद करती है। आजकल मायके आई हुई है, कुछ दिन रहेगी फिर इकबाल आ जाएगा लेने के लिए। अब गांव में एक डाकिया आया है, अब अच्छा। खत घर पर ही आकर दे जाता है, तुम्हारा खत भी आकर दे गया था। अब हमें प्रसाद काक की दुकान पर जाना नहीं पड़ेगा, अल्लाह के फजल से अब हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। बाकी खुदा से तुम्हारी उम्र दराज और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करती हूँ, खूब दिल लगाकर काम करना, अगर हो सके ना तो इस बार ईद हमारे साथ आकर मनाना बेटा। अल्लाह तुम्हें रहमत और तरक्की से नवाजे, ढेर सारा प्यार अम्मी और खुर्शीद की तरफ से, इकबाल की तरफ से भी। बस बस रात दीदी 12 रुपए। क्यों, पिछली बार तो 10 ही दिए थे ना? अब के 12 रुपए हो गए। लेकिन ऐसा क्यों? हमारे कहने से सरकार ने इतना अच्छा डाकिया मुकरर किया इस गांव में, तुम्हें घर पर खत दे के जाता है कि नहीं, आराम हुआ कि नहीं? अब इसके एवज में भी तो उसे कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा ना, वो कहां से आएगा? सरकार ये सब चीजें मुफ्त में नहीं बांटती फिरती है। अरे जल्दी करो चाची, इतनी देर में आप खुद जाके खबर दे आती। दे रही हूँ मियाँ, जल्दी करो, और भी लोग बैठे हैं। जरा सब्र से काम लिया करो मियाँ। ये शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा। हाँ भाई आगे कौन है? साहब ये डाकी का खर्च भी हमें देना है। अरे बेवकूफ, इसे कहते हैं तरक्की की कीमत, समझा? ला। हाँ भाई अगला कौन? आओ भाई आ जा। बोलो।
अरे रहमत चाची, रहमत चाची। अरे कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, कहाँ जा रही हो आप? प्रसाद का की दुकान तक, ये खत देने जाना है उनको रमजान के नाम का। अरे मैंने आपको बताया नहीं था उस दिन, आपको कहीं नहीं जाना है खत के लिए। नहीं ये तो मैं देने जा रही हूँ ना, रमजान की चिट्ठी का जवाब है। हाँ तो उसके लिए भी नहीं जाना है। लाइए मैं पहुँचा देता हूँ, लाइए। सच? अल्लाह तुम्हें बरकत दे बेटा। जवाब किसने लिखा है? नंबरदार ने। बड़ा नेक काम किया उन्होंने। नेक काम तो तब होता ना अगर खैरात होती तो। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं बेटा। अच्छा मुझे देर हो रही है तो खुदा हाफिज़। अच्छा मैं भी चलता हूँ, खुदा हाफिज़। चाची ये इकबाल भाई कब आ रहे हैं? जुम्मे रात को। अच्छा बेटा खुदा हाफिज़। चाची खुदा हाफिज़। सन दो मई बलिए, सन दो मई बलिए, बलिए सन दो मई बलिए। जितनी तेरी आवाज साफ है ना उतना जरा काम भी साफ कर लिया कर, मुझे अगली ईद तक फुर्सत नहीं है, जरा तेज तेज हाथ चला। आपा अगली ईद को अभी 1.5 महीना बचा है, तब तक हो जाएगा। आप बिना, वैसे आपको इतनी जल्दी क्यों है? वो 2-4 रोज में वो आ रहे हैं ना, इसलिए। वो मतलब कौन? रमजान भाई? अरे मैं अपने भाई को वो थोड़ी ना बोलूंगी। ओहो, तो आप इकबाल भाई की बात कर रही है ना? मैं भी ना बहुत ही बेवकूफ हूँ, सर्दी की दाल की तरह देर से पकती हूँ। और आपके कपड़ों को देख के भी नहीं, क्या आपा मैं भी। चल चल अपने काम में ध्यान दे। आपा काम तो मैं कर लूंगी, पहले आप ये बताइए कि शादी के बाद कैसा महसूस होता है? बहुत बोलने लगी, कैसा बेहुदा सवाल पूछ रही है। चल काम कर अपना। आपा मैं कर लूंगी ना, आप बताइए ना कैसा लगता है कि जब आप उनका इंतजार करते हो? कैसा लगता है मतलब? मतलब पेट में गुदगुदी होती है, दरवाजे की हर आहट पे ऐसा लगता है कि वो आगे, ऐसा ही लगता है। रात को नींद नहीं आती, इंतजार के लम्हे लंबे लंबे लगते हैं। बताइए ना वो तो आपसे बहुत प्यार करते होंगे ना? हाँ थोड़ा बहुत, बयान करना मुश्किल है। जब तेरी शादी होगी ना तुझे सब समझ में आ जाएगा। मेरी शादी थोड़ी ना होगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा डोली के बदले जनाजा उठेगा। कैसी बातें कर रही है तू? मेरा निकाह थोड़ी ना होगा, डोली के बदले जनाजा उठेगा मेरा। मेरे बूढ़े बाप ने मेरा निकाह उस 70 साल बूढ़े के साथ तय कर दिया है। किससे? वही मुआ आलम खान, ठेकेदार। आलम खान से? उसका तो एक पैर कब्र में है, वही लाल दाढ़ी वाला आलम खान ना? हाँ वही लाल दाढ़ी वाला, लेकिन उसकी दाढ़ी लाल नहीं बर्फ की तरह सफेद है, मुंह मेहंदी लगाता है। मेरे निकाह में तो मेहंदी की रस्म के बदले दाढ़ी रंगने की रस्म होगी। तेरी उम्र का कोई नहीं मिला उन्हें? मेरी उम्र का कोई कर्जा देने वाला नहीं मिला होगा ना, वरना उसे ही बेच देते। मेरी शादी थोड़ी ना हो रही है, बेचा जा रहा है मुझे ताकि मेरा बाप उस ठेकेदार मुए आलम खान से वक्त पे पैसे ले सके, क्योंकि मेरे बाप ने उस अमीना कानी के साथ ब्याह जो करना है। अमीना कानी? वो कितनी शादियां करेगी? 4-5 तो कर ही चुकी है, पर मेरे बाप को कौन समझाए। लेकिन मैं भी उसका ख्वाब पूरा नहीं होने दूंगी, मर जाऊंगी वरना बूढ़े मुए से शादी नहीं करूंगी। जान देना कोई रास्ता नहीं, तो फिक्र मत कर, हौसला रख, ऊपर वाला कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा।
खुदा की मर्जी के आगे तो किसी की नहीं चलती ना। अपने मतलब के लिए फैसला इंसान खुद ले और बिना मतलब के लिए खुदा को भी उसमें घसीट ले। ये कौन सी किताबें लिखा है? और कोई रास्ता है क्या? है ना, मर जाऊंगी, यही तो रास्ता बचा है। जान बुझ दिल देते, खामोश बकरी बनकर कुर्बानी चढ़ना कौन से हिम्मत का काम है? अपनी जिंदगी का फैसला तो ले नहीं पाई, लेकिन मरने का फैसला तो ले सकती हूँ ना। मैं उनसे बात करूंगी, ना कोई हल जरूर निकलेगा। सुन, तेरी शादी धूमधाम से होगी, सुन रही है तू? सुन, देख, इसमें से जो तुझे पसंद आए तू वो उठा ले अपनी शादी पे पहनने के लिए। चुप करना, देख देख चेहरा क्या बनाया। चुप कर, कहा ना मैंने चुप कर? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे सुबह से कुछ खाया भी नहीं। चुप कर, चल मैं तेरे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। पहले चुप कर, पहले चुप कर, चल चुप कर, चल मैं आती हूँ तेरे लिए खाना लेके। हाँ, खाना खाएगी ना? चल आती हूँ। पंडित जी नमस्कार। है गुलाम नबी, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो। मैं आपको खुश दिखाई दे रहा हूँ? और नहीं तो क्या मैं झूठ बोलूंगा? राही त्राही प्रसाद, आपने आज तक झूठ नहीं बोला। हाँ। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अरे जाने भी दो, तुम ये बताओ कि सुबह सुबह कैसे आ रहा हुआ? दरअसल मैं परेशान हूँ पंडित जी। क्या परेशान हो? सब ठीक तो है ना? घर से कोई खबर आई है क्या? ये माँ की याद तो नहीं आ रही? नहीं नहीं पंडित जी, वो बात नहीं है, एक मसला आन पड़ा है। मसला? अरे भाई, अब तो तुम्हें सारे गांव के मसले हल करने हैं और तुम्हें खुद पे मसला आन पड़ा। अब आपसे क्या कहूं पंडित जी। तो बताओ ना क्या बात है, लगता है कुछ छिपा रहे हो। बैठो। मुझे हाजत पड़ी है। हाजत? हाजत तो भाई इसी की होती है। मुझे रुपयों की हाजत पड़ी है। रुपयों की हाजत? अभी कुछ ही दिन हुए तुम्हें नौकरी करते करते, और रुपयों की हाजत आन पड़ी। चलो बताओ कितने रुपए चाहिए? सच आप रुपए दे सकते हो? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, उधार ही मांग रहे हो ना, वापस तो करोगे? मुझे 1000 रुपए चाहिए। अरे कुछ खा पी कर आए हो या खाली पेट बात कर रहे हो? ना पंडित जी, भात खाकर आया हूँ। भात खाकर आया हूँ? 1000 रुपए? 1000? अरे जुम्मा जुम्मा 7 दिन हुए नौकरी करते और 1000 रुपयों की हाजत आन पड़ी। कहीं कोई बाग बगीचे वगैरह खरीदने की तो नहीं सोच रहे तुम? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। पक्का किसी दलाल के झांसे में आए होगे, कह रहा होगा गिरी खरीदो 4 रुपए हिसाब से और बेचोगे 20 के हिसाब से। अरे भैया बहुत लालची दुनिया है, बच के रहियो। नहीं पंडित जी, वो बात भी नहीं है। वो बात भी नहीं है, फिर किस लिए रुपए चाहिए तुम्हें? दरअसल मुझे ये रकम किसी को देनी है। किसी को देनी है? यूं ऐसे ही? नहीं नहीं, यूं ही नहीं, मुझे ना एक मजलूम को आफत से बचाना है। ओ तो ऐसे कहो ना कि जनाब नौ शेरवा आदिल बन रहे हैं। नौकरी करते हैं डाकिये की और तनख्वाह। बैठो भाई बैठो, खफा बातो। खफा हो गए? ठीक है, अगर आप रुपए नहीं दे सकते हो तो मैं शहर जाके माँ से ले लूंगा और कुछ। खैर तुम ये तो बताओ कि तुम्हें रकम किस लिए चाहिए भाई, किसे देने हैं रुपए? एक लड़की को। लड़की को? किस लड़की को? क्या नाम है उसका? अब नाम तो पंडित जी मैं जानता नहीं, मैंने पूछा नहीं, इसी गांव में रहती है वो। लड़की का नाम नहीं मालूम? अच्छा उसके बाप का क्या नाम है वो भी नहीं मालूम? अरे भाई तुम शहर के हो भी या बेवकूफ बनाते हो? 1000 रुपया किसी भी लड़की को यूं ही दे दोगे? ना महाराज, ऐसे नहीं देना है। ये? उस बेचारी को उसका बाप 1000 रुपए में किसी के हाथों बेच रहा है, उसकी शादी करा रहा है। अगर मैं 1000 रुपए उसको वापस दे दूंगा तो वो बेचारी छूट जाएगी। ओह मुबारक मुबारक, इधर आओ।
तुम्हारा माथा चूमूं। अरे तो ऐसे कहो ना कि उस लड़की के साथ अपना रिश्ता मिलाने के लिए तुम्हें 1000 रुपया चाहिए। बहुत अच्छी बात है, तो आखिर तुमने गांव की लड़की के साथ शादी करने का मन बना ही लिया। सी मुसीबत में फंसे हो, यही मसला है ना? अरे नहीं पंडित जी, मुझे नहीं मालूम, मुझे बहस करना नहीं आता। सच तो यह है कि मेरे दिल में एक इंसानी जज्बा उठा, हमदर्दी का जज्बा या इश्क। ठीक भी है भाई, जवान हो, जवानी उबाल मार रही है। तो क्या कह रहे हो आप? पता है आपको एक अजीब वाकया हुआ। जैसे? उसका बाप उसको एक नाले की पुलिया पर पीट रहा था क्योंकि वो घर से भागी थी। उसका बाप किसी 50 या 60 साल के बुजुर्ग के साथ उसका निकाह कराना चाहता है, जिससे उसने 1000 रुपए निकाह के लिए ले रखे हैं, और वो लड़की वहां शादी नहीं करना चाहती। ये मसला है पंडित जी। तो ये बात है, पर इसमें कौन सी नई बात है भाई? ऐसी बातें तो इस गांव में अक्सर होती रहती हैं। खैर तुम ये बताओ, लड़की सुंदर है? हाँ है तो। चलो ठीक है, लेकिन जो भी कदम उठाओ घर वालों की रजामंदी से उठाना। छुट्टी के दिन घर जाओ और उनसे अच्छी तरह से पूछ लो। 1000 रुपया तुम्हें मैं दे दूंगा, लेकिन ये रकम तुम्हें उस देहाती को पंचायत में सब आदमियों के और सब पंचों के सामने ही देनी है, समझे? आप सच कह रहे हो? मैं अपनी तरफ से आपकी एक एक पाई चुका दूंगा पंडित जी। अरे घड़ी की बात है। ठीक है अब मैं चलता हूं। अरे सुन पंडित जी, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अरे वो बात नहीं है, डाक आने का वक्त हो गया है, दुकान पर जल्दी पहुंच जाना। जी बिल्कुल। अम्मी भाईजान आए हैं। कैसी हो खुर्शीद? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ। रमजान आ गया, मेरा बच्चा आ गया। अरे कहाँ है रमजान? अरे अम्मी इन्होंने तो कहा था ये आज से मेरे भाई हैं। रमजान भाई तो नहीं आए, लेकिन उनका मनी ऑर्डर आया है। इतनी जल्दी? अरे ये तो अच्छी बात है, खुदा उनको बरकत दे रहा है। आपको तो अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपको ऐसे बेटे से नवाजा है। 200 रुपए भेजे हैं। सच? बेटा आज तो चाय पीकर ही जाना होगा। हाँ पीऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इसके जवाब में यहाँ पे दस्तखत करने होंगे, और क्या लिखना है ये भी बताना होगा। ले मुझे कलम पकड़ना नहीं आता और तुम कह रहे हो कि दस्तखत कर दो। हाँ तो कोई बात नहीं, अंगूठा लगा दीजिए। ठीक है। सच अल्लाह की ही बरकत है। सब ऊपर वाले की मेहर है चाची। ये दीजिए, लाइ ये लिया और ये हो गया, और ये रहे आपके 200 रुपये। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा। अच्छा जवाब में कुछ लिखना है बताइए। नहीं अभी नहीं। अरे बताइए बताइए, शर्माइए मत, बताइए क्या लिखवाना। लिखना रमजान बेटा, अगर आज तुम्हारा अब्बू जिंदा होता ना, तो तुम्हारी कमाई के पैसे देखकर इतना खुश होता, इतना खुश होता कि पूरे गांव को दावत पर बुलाता। तब बुलाता अम्मी और खुर्शीद की तरफ से ढेर सारा प्यार। ये हो गया बहुत सारा प्यार। अब और ये तो लिखा ही नहीं कि शादी कब करेंगे। ये लीजिए, ये होगा पूरा आपका जवाब। और आगे क्या है? ये लो बेटा 12 रुपए तुम्हारे खत लिखने की फीस। नंबरदार साहब से चिट्ठी लिखवाते हैं ना, तो उनको भी इतना ही देते हैं। पहले 10 लेते थे, पर अब उन्होंने फीस बढ़ा दी है। या? खत लिखने की फीस लेते हैं? हाँ। नहीं नहीं चाची, खत लिखने की कोई फीस देने की जरूरत नहीं है आपको कहीं भी। अरे पर नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है चाची, अब फर्ज अदा करने के पैसे कैसे ले सकता हूँ मैं? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, जरूरत के खर्चे पूरा करते ही कमर टूट जाती है, फिर ये ऊपरी खर्च कैसे बर्दाश्त करें हम? चाची अगर आपने खुर्शीद बहन को पढ़ाया होता
तो आज ये नौबत नहीं आती। आगे से आपके खत का जवाब और लिखना सब मेरी जिम्मेदारी, ठीक है? लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको खुर्शीद को स्कूल भेजना पड़ेगा। अरे इस उम्र में, वो भी शादी के बाद, लड़की है भला पढ़ लिख कर क्या करेगी? चाची स्कूल जाने की कोई उम्र या जात नहीं होती। सोचिए खुर्शीद बहन अगर आज पढ़ी लिखी होती तो आपको खत का जवाब देने के लिए ना तो चप्पल घिसती और ना आपकी जेब। रमजान भाई की नौ जमात पर आपको इतना फक्र है, सोचिए जब खुर्शीद पढ़ लिख जाएगी तो कितना आपको फक्र होगा। दुनिया के काम तौर तरीके सब समझने लगेगी, परेशानियां कम होंगी, वो अलग। बेटा बात तो तुम सही कह रहे हो, पर इस बात का फैसला तो खुर्शीद और इसके ससुराल वाले ही कर सकते हैं ना। अब ऐसा करो, इकबाल आए ना तो उससे बात कर लेना, क्योंकि खुर्शीद की आगे की जिंदगी का फैसला तो वही कर सकता है ना बेटा। अच्छा ठीक है चाची, खुर्शीद इकबाल भाई जब आए तो मुझे जरूर उनसे मिलवाना। जी जरूर। अच्छा चाची अब मैं चलता हूँ, आगे बहुत खत बांटने हैं। सलाम। सलाम। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा। सलाम। जी खलल तो नहीं डालना हमें? खाली कुर्सियों और दीवारों का ध्यान नहीं टूटता। ये क्या लिखा हुआ है? हो मौके भले चंद तो हौसला हो बुलंद। क्या बात है, चिट्ठी लाए हो? चिट्ठी तो नहीं लाया हूँ, लेकिन एक नुस्खा लाया हूँ जहालत नाम की बीमारी का। मुझे लगता है इस मुल्क के चुनिंदा नामों के साथ तुम्हारा नाम भी जुड़ना चाहिए, जनाब गुलाम नबी साहिब। देखिए मास्टर साहब, जिन लोगों को मैं जानता हूँ जहाँ देर सवेर चिट्ठियाँ आती रहती हैं, उनके घर में जितने बच्चे हैं उनको तो मैं समझा दूंगा, बाकी बच्चों का पता मैं वो क्या कहते हैं जनसंख्या यानी मर्दमशुमारी दफ्तर से निकलवा लूंगा, हो जाएगा काम। अगर इतना आसान होता बच्चों को लाना, मैं तो कहता हूँ तुम खलल डाल रहे हो, वही के वही रहो। आज आखिरी उम्मीद भी मिट गई। मास्टर जी मास्टर जी, चाहे हालात ना हो रजामंद पर हौसला हो हमेशा बुलंद। उम्मीद मिटी है लेकिन नई उम्मीद को जगह देने के लिए। नमस्ते। इतने समझाने के बाद भी वो जबरदस्ती कर रहा है। बेहयाओं को खुदा के खौफ से डर नहीं लगता, तो तुम कौन से खेत की मूली हो? मेरा आखिर बताओ, मर जाने दो मुझे। अरे मैं कह रही हूँ मर जाने दो मुझे। मैं कह रहा हूँ गलत है, ये गुनाह है। मर जाने दो मुझे। अरे मैं समझ में नहीं, मार दूंगा मैं। भागो भागो मर। समझ में नहीं आता, एक बार में दिमाग खराब है तुम्हारा। पुलिस में जाओ, पंचायत के पास जाओ। किसके लिए बने? पुलिस की तनख्वाह सरकार से नहीं, उस ठेकेदार से आती है। और पंचायत, पंचायत कभी भी मेरा हक में फैसला नहीं लेगी। 1,000 रुपया गिरवी रख के मेरे बाप ने उस ठेकेदार के पास रखा है, नहीं दे पाता सीधा ठोकर जीत जाएगा वो ठेकेदार। मैं कह रही हूँ मुझे, तुम मुझे मर जाने दो। तुम बस रुकता मत, तेरा बारो मुझे मर जा। मैं तुम्हें ये करने की इजाजत नहीं दूंगा, बारो। अच्छा तो निकाह कर लो मेरे से, या फिर 1,000 रुपया उस ठेकेदार को दे दो। शहर से
नहीं 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 मुझे मर जाने दो। नहीं मैंने कहा मुझे मर जाने दो। मुझे मान जा, मेरी बात मानो। मुक्ता मुझे तो मारो मारो। ये बात सुन, ठीक है, मैं वादा करता हूं तुम्हारी मर्जी के बगैर उस बुढ़े ठेकेदार से तुम्हारा निकाह नहीं होगा। मैं कहीं से भी तुम्हारे लिए 1,000 रुपए का इंतजाम करूंगा, लेकिन तब तक तुम भी कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। तुम क्यों आ रहे हो मेरे रास्ते में? मर जाने दो मुझे। इतनी जल्दी अगर जिंदगी से हार मान लोगी तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं कहीं से भी तुम्हारे लिए 1,000 रुपए का इंतजाम करूंगा। चलो अब घर जाओ। जाओ जाओ चलो जाओ घर जाओ जाओ सीधे घर जाओ जाओ। देर हो गई, कितने दिन से सोच रही थी कि पीर बाबा साहब के दीदार को जाऊं। मन ही नहीं करता था अकेले जाने का। अच्छा हुआ जो तू चली आई। और सुना, इकबाल भैया ठीक से चले तो गए ना? जी बिल्कुल ठीक से चले गए वो। या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रामा दीदी। वालेकुम सलाम। अरे खुर्शीदा कैसी हो, कब आई हो ससुराल से? सलाम चाचा। सलाम। आला तुम्हें उम्र दराज है, अभी कल ही तो आई है। अच्छा अभी ठहरेगी कुछ देर? कहाँ, जुम्मे रात को आकर इसका घर वाला ले जाएगा इसे। इतनी जल्दी? ये चाय का समावार लेकर कहाँ जा रही हो? ये कई दिनों से सोच रही थी पीर बाबा साहब के दीदार को जाऊँ। अच्छा 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 अच्छा, फुर्सत ही नहीं होती थी, अब खुर्शीद आई तो सोचा होकर आती हूँ। बड़ी अच्छी बात है। अब आपसे क्या छुपाना, वो रमजान ने कुछ रुपए भेजे हैं मनी ऑर्डर से। हाँ हाँ, वो कैसा है, कब आएगा? ठीक है, आने का कुछ लिखा नहीं, बस रुपए भेज दिए। रहमत दीदी हमने सुना है कि पीर बाबा गांव छोड़कर चले गए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं, पीर साहब भला गाँव छोड़कर कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसे किसी ने शरारत से अफवाह फैला दी होगी। ऐसा करें आप हमारे साथ चल लीजिए, देख कर आते हैं। नहीं नहीं आप हो आइए। हाँ मुझे हकीकत से आगाह कर दीजिएगा। ठीक है, चल चल जल्दी कर दे, आधा भोज मुझे दे दे। रहमत दीदी रमजान के मनी ऑर्डर का जवाब लिखवाने कल शाम को जरूर आ जाना, मैं फिर 2-3 दिन के लिए मसरूफ रहूंगा। वो तो लिख दिया ना। किसने? वही जो डाकिया है उसने। उसने तो कोई पैसा भी नहीं लिया, बड़ा नेक बंदा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह उसे तरक्की दे, उम्र दराज दे। अच्छा खुदा हाफिज। पंडित जी अगर हम लोगों ने उसकी मदद नहीं की ना तो वो खुदकुशी कर लेगी बेचारी। ये तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। 1,000 रुपए देकर ही उसकी आजादी खरीद सकते हैं। लेकिन उस कमीने ठेकेदार का क्या भरोसा कि रुपए लेने के बाद भी वो अपनी बात से मुकरेगा नहीं? अरे ऐसे कैसे मुकर जाएगा, भरी पंचायत में गवाहों के सामने देंगे ना पैसे, इतने गवाह होंगे तो बेईमानी नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, अभी तो मेरे पास ये 400 रुपए है, ये आप रख लीजिए, बाकी के मैंने कुछ घर पे बचा के रखे हैं, कितने हैं मैंने कभी गिने नहीं, लेकिन उम्मीद है कि काम हो जाएगा। बड़ा नेक काम कर रहे हैं पंडित जी आप, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। कैसी बात करते हैं, मैं तो बस आपके नेक काम में आपका छोटा सा हिस्सा हूँ। चलिए अब मैं चलता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप लोग मेरे दरवाजे पर इस वक्त, क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई? अंदर आने को नहीं कहोगे बेटा? कैसी बातें कर रहे हैं, आइए आइए। बस मेरे यहाँ आपके लिए बैठने के लिए बिछौना नहीं होगा। कोई बात नहीं, हम सबको जमीन पर बैठने की आदत है। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए बेटा। रमजान के भेजे हुए पैसे देकर तुमने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी। उसी समय मैं और खुर्शीद पीर बादशाह के लिए चाय लेकर तकिए की ओर गए, लेकिन मायूसी हुई, वो वहां थे ही नहीं। इसने बताया कि तुम्हें जानशीन कर गए हैं। बेटा अब ये चाय तो तुम्हें ही पीनी होगी। इन्होंने कहा और आपने उस पर यकीन कर लिया? भूली नहीं हूं मैं, आज समझ में आ रहा है मुझे जो तुमने उस दिन कहा था। पी लूंगा चाय फुर्सत के वक्त। मैं अपने भाई को किस नाम से पुकारूं, पीर भाई या पीर बादशाह? क्यों, मेरा अपना नाम जो है गुलाम नबी। तो ठीक है, पीर नबी शाह, ठीक है ना? रहमत बीबी इनको समझाइए, नाम बचपन में रखा जाता है, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम गुलाम नबी रखा है, अब आप लोग मुझे पागल मत बनाइए। आदमी को समझने में आदमी ही गलती करता है। हमसे भी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना भाई। प्रसाद काक, आप भी पीर फकीर साधु संतों को मानने वालों में से हैं? हाँ भाई, पापी जन है मानना पड़ता है। हम ठहरे सीधे साधे ग्रस्त आदमी, अब हमारे पास वो नजर कहाँ जो पीर शाह के पास है, अगर होती तो पहले ही पहचान लेते। पीर बादशाह रहीम शाह दिन भर कहते रहे वो आएगा जिसका इंतजार है। जैसे ही इधर से गुजरे पहचान गए अपने जानशीन को, हम सब तो हैरान ही रह गए। अब आप जहाँ रहेंगे आपकी डोरी पर ही हमारा बसेरा होगा। अरे मैंने कहा ना मैं कोई पीर फकीर नहीं हूँ। माफ कीजिएगा, देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ, शहर से आया हूँ, आज यहाँ पर हूँ, कल मेरा तबादला कहीं और हो जाएगा, कि मुकाम आरजी है। वाह क्या बात है, दुनिया आरजी है, हमारा रैन बसेरा आरजी है, मान गए रहीम साहब के असली वारिस आप निकले। रहीम साहब ने आपको पहचान कर ही अपना जानशीन चुना है, अब इस गांव की हिफाजत आपके हाथ में है। देखिए आप लोग गलतफहमी के शिकार हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं मैं किसी पीर फकीर का वारिस नहीं हूं, मैं तो उस पीर फकीर का सामना होने से डर गया था, उन्होंने मेरे गले में अचानक ये माला डाल दी, इसके अलावा मेरी समझ में कुछ नहीं आया। घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, उम्र बढ़ने के साथ साथ तजुर्बा पाकर ही इंसान को सीधा रास्ता दिखाई देता है, बड़ी नजर खुलती है, तभी तो हम दुखी लोगों को ज्ञान के नूर से मुनव्वर कर पाएंगे। आप लो बेटा चाय पी लो, अब मुझे अपनी माँ समझकर ही पी लो। लो चाय तो मुझे आप लोगों को पिलानी चाहिए, आप लोग मेरे डेरे पे आए हो। नंबरदार साहब आप भी लीजिए ना। दरअसल इन सबको मालूम हुआ है कि रहीम साहब आपको अपनी गद्दी सौंपकर गांव से चले गए। कौन सी गद्दी, किसकी गद्दी? मैंने कहा ना मैं किसी तकिए किसी पीर फकीर का वारिस नहीं हूं। अरे मैंने ना कभी उनसे बात की, ना मुझे किसी ने उनके बारे में बताया। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं वहां से गुजर रहा था, उन्होंने मुझे देखा, भागते हुए वो चले आए और मुझे एक पेड़ के नीचे ले जाकर ये माला मेरे गले में डाल दी। सारा मसला इस माला को लेकर है, अब ये माला मैं चाहे जिसको सौंप दूं। नहीं नहीं, कहर टूट पड़ेगा उस पर जिसके हवाले आप ये माला कर दोगे। ना बाबा ना, ऐसा कभी मत करना, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। क्या कर रही हैं आप? हम जानते हैं पिछले 12 साल से पीर साहब की खिदमत कर रहे हैं, उनकी नज़र तो लामहदूद थी। अरे मुझे तो पहले ही शक हो गया था जब मैंने आपके गले में ये माला देखी, तब मुझे याद नहीं आया कि ये माला तो पहले पीर शाह जी के गले में देखी है।
अब आहिस्ता आहिस्ता सारा राज समझ में आ रहा है। हे ईश्वर तेरी माया। अच्छा मुझे आप इजाजत दीजिए, दुकान खुली है ना, मैं चलता हूँ। हाँ मुझे भी। ठीक है अब आपका खाना हमारे घर से आता रहेगा, ठीक है? अरे नहीं नहीं नंबरदार साहब जी, इतनी तकलीफ मत कीजिए आप मेरे लिए। इस मामले में हम आपकी एक भी नहीं सुनेंगे। हाँ अच्छा बेटा अब हमें भी इजाजत दो, हमें भी चलना चाहिए। चलो चलो। आया हम।